दोस्तों, मूल्यांकन क्या होता है और मूल्यांकन के प्रकारों को आज हम डिस्कस करेंगे, जहां पर आप छात्रों के मूल्यांकन में परिणामात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। भाई, इससे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि मूल्यांकन क्या होता है। भाई, आप छात्रों की प्रगति किस तरह हो रही है, क्या छात्रों के गुण हैं, क्या छात्रों के दोष हैं, इसके लिए आप मूल्यांकन बच्चों का करते हैं। और गई शैक्षिक क्षेत्रों में अगर मूल्यांकन हो रहा है तो किसी उद्देश्य की सीमा को निर्धारित करके उनकी प्राप्ति के स्तर को ज्ञात कर उचित या अनुचित निर्णय लेने में सहायता करता है। ऐसे मूल्यांकन को आप क्या कहते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन कहते हैं। गई छात्रों के जो मूल्यांकन होते हैं उन्हें आपने दो भागों में विभाजित किया है और ये दो भाग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहला होता है परिणात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है भाई गुणात्मक मूल्यांकन। गाइस, आगे आप चलेंगे तो आप जानेंगे कि परिणात्मक मूल्यांकन को तीन भागों में विभाजित किया गया है। और गाइस, ये ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए आप इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। परिणात्मक मूल्यांकन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग होता है मौखिक, दूसरा भाग होता है लिखित और तीसरा भाग होता है प्रायोगिक। अब हम ये जानेंगे गाइस कि मौखिक भाग क्या होता है। मौखिक परीक्षा का जो प्रारंभ था ये ग्ले डाइडस ने किया हुआ था, आप याद रखेंगे इनका नाम, पर इसे महत्वपूर्ण योगदान जो है या ऐसे आगे बढ़ाया है या ऐसे महत्वपूर्ण माना है वो सुकरात ने माना हुआ है। गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किसने किया था तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे मैं चलता हूँ गाइस, तो ये एक क्या होता है, एक व्यक्तित्व क्रिया होती है। इसमें बच्चा छात्र जो होता है मौखिक प्रश्नों के रूप में ज्ञान को, अभिव्यक्ति को, अपनी क्षमता को और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। आप बच्चों से कुछ इस तरह के प्रश्न पूछेंगे जिससे जिसकी माध्यम से बच्चा मौखिक रूप से जवाब देगा और वहां आप उसके ज्ञान को, उसकी क्षमता को, उसके आत्मविश्वास को यहाँ पर परखेंगे। पर मौखिक परीक्षा लेते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें ये है गाइस, पहली बात ये होती है कि आपको बहुत लंबे लंबे उत्तर बच्चों से नहीं पूछने हैं, जिसमें लगभग आपको दो तीन पन्ने का बखान बच्चों को देना पड़ जाए, ऐसे प्रश्नों से आपको बचना है। दूसरी बात, द्वि अर्थ वाले बच्चों को प्रश्न नहीं पूछना है जिनके दो अर्थ निकलते हैं, क्योंकि इसमें आप सही ढंग से बच्चों का आकलन नहीं कर पाएंगे। आगे मैं चलता हूँ, अगर छात्र आंसर दे रहा है उसे कभी भी मौखिक मूल्यांकन में बीच में टोकना नहीं है। हालांकि जब मूल्यांकन आपका कंप्लीट हो जाए, बच्चा पूरी तरीके से बोल ले, तो आप उन चीजों में सुधार जरूर करें। लंबी शब्दावली वाले प्रश्नों से भी आपको बचना है। तो गाइस, आशा करता हूँ कि मौखिक मूल्यांकन के बारे में आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हो गया है गाइस तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और रात 9 बजे एजुकेशन फॉर यू में डेली आपके लिए लाइव क्लासेस होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। संडे के दिन इजी मैथ्स में लाइव क्लास होती है और शाम 6 बजे में आप लोगों से मुलाकात करता हूँ अनअकैडमी स्पेशल लाइव क्लास, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो चलता हूँ दूसरे मूल्यांकन की तरफ। भाई, दूसरा मूल्यांकन क्या है गाइस? दूसरा मूल्यांकन है लिखित परीक्षा। भाई, आप जानते हैं आज भारत देश की अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षाओं के द्वारा सबसे ज्यादा मूल्यांकन किया जाता है और ये सबसे ज्यादा प्रचलित मूल्यांकन भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रचलित मूल्यांकन कौन सा है तो वो है गाइस लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा 4 प्रकार की होती है। भाई, कितने प्रकार की होती है गाइस? 4 टाइप्स की होती है ये जो लिखित परीक्षा होती है। उसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें आपको लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें आपको अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे और गाइस उसमें दीर्घ उत्तरी या निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को पूछकर आप यहाँ पर बच्चों की लिखित परीक्षा ले सकते हैं और बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसके दौरान आप भाई मूल्यांकन कर सकते हैं। और आज आप देख रहे हैं स्कूलों में इन सभी के द्वारा बच्चों को आप मूल्यांकन करते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और फाइनल एग्जाम के द्वारा। कई लेता हूं तीसरा पार्ट, यहाँ पे आती है प्रायोगिक परीक्षा। अब भाई, प्रायोगिक परीक्षा आपने सभी लोग जानते हैं, पर गाइस प्रायोगिक परीक्षाओं को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग होता है आपका आंतरिक प्रयोग और दूसरा भाग होता है आपका बाह्य प्रयोग। आंतरिक प्रयोग में क्या होता है, जैसे आपने देखा है कोई सूत्र है या कोई अवधारणा है, जैसे कि केमिस्ट्री लैब में होता है, वो आंतरिक प्रयोग है गाइस। जैसे बच्चे ने कोई फॉर्मूला बुक में पढ़ा, कोई सूत्र पढ़ा, कोई अवधारणा पढ़ा और गया है लैब में और कुछ उपकरणों की सहायता से
उसे उनने टेस्ट किया और वो चीजें बना दिया। जैसे मान लेते हैं भाई बच्चे को H2SO4 बनाना सिखा रहे हैं, तो बच्चा केमिस्ट्री लैब में जाके H2SO4 बना रहा है और फिर जान रहा है कि वो कितने अच्छे तरीके से बना रहा है नहीं बना रहा है। तो गाइस यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन अब बच्चों का कर रहे हैं प्रायोगिक परीक्षाओं में। अब मैं चलता हूँ इसमें बाह्य प्रयोग। बाह्य प्रयोग में क्या होता है गाइस, इस प्रकार के मूल्यांकन को छात्र के जीवन से जोड़कर या छात्र के जीवन का जो ज्ञान होता है वो सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से परिवर्तित किया जाता है। जैसे बच्चा सत्य बोले, अच्छे राह में चले, बच्चे को चित्र बनाना सिखाएं, बच्चे के मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाएंगे, यहाँ पर शारीरिक शिक्षा देंगे, गृह विज्ञान की शिक्षा देंगे, कुछ कला वाली शिक्षा देंगे, नैतिक शिक्षा देंगे, कृषि विज्ञान की शिक्षा देंगे। तो यहाँ पर गाइज बाह्य प्रयोग और आंतरिक प्रयोग आपको समझ में आए होंगे। इससे पहले गाइज कि मैं गुणात्मक मूल्यांकन को आप लोगों से डिस्कस करूं, आप लोगों को एक बात बता दूं गाइज, अभी हमने क्या सीखा, हमने परिणात्मक मूल्यांकन के बारे में सीखा जिसके 3 भाग थे, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, जिसमें आपने जाना मौखिक परीक्षा के बारे में, फिर जाना लिखित परीक्षा के बारे में और फिर जाना आपने प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में। तो गाइज अब हम चलते हैं गुणात्मक मूल्यांकन में। देखिए सीटेट में जब ये क्वेश्चन बनता है आप लोग सोच ही नहीं पाते कि कौन सा गुणात्मक मूल्यांकन का फैक्टर होगा, कौन सा आपका परिणात्मक मूल्यांकन का फैक्टर होगा, इसलिए गाइज ये वीडियो मुझे आपको बनाकर देनी पड़ रही है। भाई गुणात्मक मूल्यांकन गाइज क्या होता है, गुणात्मक मूल्यांकन को भाई आप देख पा रहे हैं 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक होती है जांच सूची और स्तर माप, दूसरा होता है अवलोकन और निरीक्षण, तीसरा होता है घटना व्रत और चौथा होता है भाई साक्षात्कार, जिसे आप इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि गुणात्मक मूल्यांकन के 4 प्रकार होते हैं, परिणात्मक मूल्यांकन के आपने 3 प्रकार देखे। इज दैट क्लियर गाइज, और ये PDF आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट गाइज। अब हम चलते हैं गाइज जांच सूची या स्तर माप क्या है। जांच सूची का उपयोग आप क्या करते हैं, छात्रों की रुचियां, छात्रों की अभिवृत्तियां, छात्रों की रुचियां, छात्रों की अवधारणाएं आदि में उपलब्धि का पता लगाने के लिए ये उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। ये गाइज होती है आपकी जांच सूची। अब क्या होता है, स्तर माप के माध्यम से ये जाना जाता है कि शिक्षार्थी जो बच्चा है उसके अंदर क्या विशिष्ट गुण थे, उसके अंदर क्या क्वालिटी थी जिसके कारण उसने अन्य छात्रों को या शिक्षक को कितना प्रभावित किया है, इन चीजों को जाना जाता है। गाइस एक बार फिर से दोहराऊंगा, मुझे ऐसा लगता है अभी भी कुछ बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है। भाई जांच सूची क्या होती है, जांच सूची में आप बच्चों की कोई रुचियां जान रहे हैं, बच्चों की अवधारणा जान रहे हैं, बच्चों की अभिवृत्तियां जान रहे हैं, मतलब बच्चों के बारे में जान रहे हैं आप इसमें कि बच्चा कैसा है, कैसे सीखना पसंद करेगा, ये क्या क्या सीख सकता है, क्या नहीं सीख सकता है, आदि चीजें आप जान रहे हैं, किस मेथड से सीखना पसंद करेगा, ये आप जांच सूची के द्वारा जान रहे हैं। अब स्तर माप में आप क्या कर रहे हैं, स्तर माप के माध्यम से आप बच्चे को ये बता रहे हैं कि कौन कौन से उसके अंदर क्वालिटीज है, वो किस क्वालिटी ने अन्य बच्चों को और शिक्षक को प्रभावित किया है, ये चीजें जानी जा रही है जांच सूचन के दौरान। अब हम चलते हैं गाइज यहाँ पे अवलोकन या निरीक्षण में। भाई किसी व्यक्ति या समूह को दैनिक व्यवहारों को सुनिश्चित अवधि तक देखना। भाई अवलोकन क्या होता है और निरीक्षण क्या होता है, आपने किसी व्यक्ति का व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के समूह के दिन बार दिन जो व्यवहार कर रहा है उसे आपने मान लेते हैं 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक आप उसके व्यवहारों को देख रहे हैं और आप नोट करते जा रहे हैं कि 1 तारीख को इसने ये किया था, 2 तारीख को ये किया था, 3 तारीख को ये किया था, इस तरह का एक रिकॉर्ड आपने तैयार कर लिया है। तो गाइज ये अवलोकन होता है। अवलोकन या निरीक्षण के दौरान गाइज आप लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन का या उनके व्यवहारों को या उनकी प्रगति आदि को आप अवलोकित करके रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसे आप अवलोकन या निरीक्षण के नाम से जानते हैं। गाइज इसमें आप लोगों को अवलोकनकर्ता होना चाहिए, चेकलिस्ट होना चाहिए, अवलोकन चार्ट होना चाहिए, मापनी परीक्षण आदि उपकरण आपके इसमें होने चाहिए। अगर आगे चलता हूँ गाइज तो आता है घटना व्रत। घटना व्रत को विभिन्न शिक्षावादियों ने कहा है कि भाई शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटना के विवरण की एक क्रिया है, या कोई गाइस ऐसी कोई घटना हो सकती है जो भाई शिक्षार्थी ने अवलोकन की हो, या भाई जो शिक्षक हो उसे लगता है कि इस घटना व्रत के द्वारा भाई कि आप बच्चा काफी कुछ सीख सकता है, तो गाइस वो घटना यहाँ पर बच्चों को बताई जाती है, बच्चों के वास्तविक व्यवहारों को जाना जाता है, कुछ उनके उनके दौरान जो घटना व्रत सुनकर आदि चीजें इसमें होती है। अब अंतिम जो चल रहा है साक्षात्कार, जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू।
साक्षात्कार में क्या होता है, इसमें दो व्यक्ति आमने सामने बैठ जाते हैं, या तो एक व्यक्ति बैठा होता है जिसे इंटरव्यू देना है, दो चार लोग बैठे होते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो जवाब देता है, और प्रश्न और उत्तर के माध्यम से उस बच्चे का ज्ञान, उसकी समझ, उसके सोचने समझने की शक्ति आदि को परखा जाता है। तो गाइस साक्षात्कार मूल्यांकन भी काफी ज्यादा हो रहा है, जैसे आपने देखा है आईएएस के इंटरव्यूज में साक्षात्कार का विशेष महत्व दिया गया है। अब गाइस अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये बताएं अभी भी किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरी बात, आपको एक बात बता दूं कि भाई अगर आपका कॉन्सेप्ट किसी और टॉपिक में क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे सीखने का आकलन है आदि चीजें है, तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, वो टॉपिक का नाम लिख के जाओ, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप लोगों को दूंगा। चाहे भाई आप दो तीन दिन लेट हो जाऊं, चार दिन लेट हो जाऊं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा। गाइस आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप रियली टीचर बनना चाहते हो, एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो रात 9 बजे की लाइव क्लास एजुकेशन फॉर यू में जरूर लें। दूसरी बात, बिल्कुल फ्री होती है भाई, नो कॉस्ट, इसका कोई कॉस्ट नहीं है गाइस। और सुबह 12 बजे ओनली संडे के दिन होता है, पर ये इजी है, मैथ्स में क्लास जरूर ले। शाम 6 बजे मैं अनअकैडमी टीच कर रहा हूँ, अनअकैडमी स्पेशल लाइव क्लास ले रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री है, एक रुपए भी किसी को नहीं देना है, वहां आकर जुड़े मुझसे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप कर लिंक से आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको कुछ पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस आप सभी का जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन।